आपने जल परियों के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपको जल सहेलियों के बारे में बताएंगे। जल जिसकी जरूरत हम सबको है, लेकिन इसकी सुरक्षा के लिए हम इसे अक्सर नजरअंदाज करते हैं। इसी को लेकर एक अनोखी पहल की शुरुआत हमीरपुर की जल सहेलियों ने की है। इस जिले में सूखे की मार सहने वाले बुंदेलखंड के लोगों को जागरूक करने का जिम्मा जल सहेलियों ने उठाया है। ये जल सहेलियां गांव-गांव जाकर पंचायत के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण के लिए जागरूक करती हैं। उन्हें पानी की उपयोगिता, पानी के महत्व और हमारे जीवन में पानी की अहमियत के बारे में बताती हैं। मेरा नाम प्रेम भाई है, मैं हममना की जल सहेली हूँ। हमने 40 महिलाओं ने जुड़ करके इस गांव में संगठन किया है कि हम पानी के लिए अच्छी तरह से सुविधाएं कर सकें। हमारे पास में जो तालाब हैं वो गंदे पड़े हुए थे, जिसकी हमने काई वगैरह ज्वालामुखी निकाल करके उसको साफ करवाया 40 बहनों ने, और उस यहाँ पर एक बोर्ड भी लगवाया। गांव के लोग कूड़ा और मतलब दोना पत्तल डालते थे, वो उससे हमने उनको रोक लगाई और जल को साफ किया, जिससे कि गांव वालों को कोई परेशानी न पड़े, जल जानवरों के पीने के योग्य हो जाए। इन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि आज सरीला ब्लॉक के तालाब जो कभी गंदगी से पटे रहते थे, आज वही तालाब स्वच्छ पानी से भरे हुए हैं। इनके प्रयास से इंसान और जानवर को पीने का पानी तो मिल ही रहा है और खेती के लिए भी काम आ रहा है। परमार्थ संस्था के सरीला ब्लॉक के कोऑर्डिनेटर अरुण कुमार बताते हैं कि ब्लॉक के 15 गांव में पानी पंचायत का गठन किया गया है, साथ ही हर गांव में जल सहेलियों का भी चयन किया गया है। ये जल सहेलियां पानी पंचायत के माध्यम से गांव के लोगों को जल संरक्षण की सीख देती हैं। हर गांव में हमने जल सहेलियां बनाई हुई हैं, ताकि वो जल सहेलियों को हम लोग प्रशिक्षण देते हैं, उनको प्रशिक्षित करते हैं, वो लोग पानी के मुद्दे को अच्छे तरीके से लोगों को जागरूक कर सके। और जागरूकता के लिए हमने जहाँ तक है कि हमने हर गांव में जाके मेड़बंदी है, आउटलेट है, चेक डैम है, इस तरीके के छोटे छोटे प्रयास हम लोग लगातार रूप से 2011 से लगातार हम काम करते चले आ रहे हैं। गाँव वालों के लिए ये तालाब वरदान बन गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ जहाँ सूखे के संकट में पानी की घरेलू जरूरत पूरी हो रही है, वहीं नहाने और जानवरों को पीने को पर्याप्त पानी भी मिल रहा है। हमीरपुर से ईटीवी भारत के लिए अमित मिश्रा की रिपोर्ट।